आए, आए? देख शातानी ने हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज मी योर का वेलकम बैक टू एंड एक्साइटेड वीडियोस आई होप यू आर डूइंग ग्रेट सो so, आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए होली शॉपिंग के लिए बेसिकली आ, तो मैं आज शॉपिंग मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मुझे घर का कुछ कुछ सामान लेना है और मुझे खुद के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी है बट एक्चुअली बेसिकली शॉपिंग करना है मेरी फ्रेंड को तो मैं उसके साथ जा रही हूँ तो मुझे लगा इस बहाने मैं आप लोगों को मार्केट की थोड़ी दिखा दूँ क्या है अभी भी मार्केट में रौनक क्या है तो मैं बेसिकली आज जा रही हूँ गदोलिया एंड डालमंडी जाऊँगी तो आप लोग अगर वेनस में आए हो वाराणसी से हो तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वक कैसे है, क्या है, किस रेंज में है, मैं, मैं ज्यादा तो नहीं घूमूंगी बट जो जो काम की चीजें मैं वहीं पे जाऊंगी लेने तो यह वीडियो में पूरा बने रहिएगा और इसके पहले वाला अगर आप लोग गोधलिया मार्केट वाला व्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी आप लोग जाकर डैम बार चेक करिएगा और अगर आप लोग अभी बाल मेरे देख रहे हैं तो बहुत हालत खराब है मेरे बाल की एक्चुअली खर, खराब नहीं है मेरे बाल को मैंने कर्ल किया था आ, किसी मेरे वीडियो शूट की वजह से मैंने उसे कर्ल किया था और वो दो दिन से ऐसे ही हैं वो सीधे ही नहीं हो रहे हैं हम क्या करें हम परेशान हो गए हैं तो अभी जैसे तैसे मैं सोच रही हूँ बस निकलूँ तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड वेट कर रही है और अभी दोपहर के दो बज रहे हैं या हाँ दोपहर के दो बज रहे हैं तो बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दीली शॉपिंग करके जल्दी लिए घर भी आना है तो या वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो यहाँ यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में जाने से पहले अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा छोटे सा बेल बटन

मैसेजेस कॉल्स किए तो मैं बहुत खुश हुई थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आई नो कि ये आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा मैं बहुत सक्सेस हो जाऊंगी आई नो आप लोगों के विशेष और सपोर्ट की वजह से एंड थैंक यू उस वीडियो के लिए और इतना प्यार देने के लिए तो आप आगे चलते हैं नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाए सो बेसिकली मैं यहाँ से वॉइस ओवर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था और मैं बहुत सारी जगहों पे मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल रही थी बट वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं इसलिए तो में मुझे जॉइन कर ली ये है बेसिकली गोदोलिया मार्केट और फेस्टिवल के टाइम यहाँ पे चलना नामुमकिन है इतना ज़्यादा ट्रस्टिंग इतना ज़्यादा भीड़ था इतना ज़्यादा सो बेसिकली यहाँ से होता है मार्केट शुरू आप स्टार्टिंग से मैं स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है तो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे ही जस्ट वॉइस ओवर दे देती हूँ आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा अदरवाइज अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो लेट मी ऑन कमेंट सेक्शन मैं फुल एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारा डिटेल दूंगी आप लोगों के साथ और मैं उस टाइम कोशिश करूँगी कोई फेस्टिवल ना रहे तो अच्छे से आपको बता पाऊँगी फेस्टिवल का टाइम था बहुत भीड़ था इसलिए मैं कुछ भी कुछ भी ऐसे स्क्रीन पे नहीं दे रही हूँ मैं ऐसे ही वॉइस ओवर में प्राइस दे रही हूँ अब तो मैं जिस साइट पे आपको दिख रहा है वहाँ पे सारे नाइटीज़ वग़ैरह है मैक्सीज वग़ैरह है और वन के रेंज से स्टार्टिंग है और थ्री हंड्रेड तक गया है इसके बाद जितने सारे पर्स आप लोग देख रहे हैं वो स्टार्टिंग टू से है टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड इसी रेंज में है इससे ज़्यादा नहीं है ये सारे कॉटन के मैक्सीज हैं ये सारे प्राइस टू हंड्रेड के हैं यहाँ पे जितने सारे पर्स देख रहे हैं आप टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड के रेंज में हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है मैंने ठीक ठाक है यहाँ पे सारे चूड़ी वगैरह है आई डोंट नो इसकी प्राइस क्या थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे आपको पर्स के बहुत सारे डिज़ाइन बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे फिर इस साइड आपको मीडीज़ वग़ैरह मिल जाएगा जो आपको दिख रहा है जूम करके वो बहुत खूबसूरत मीडीज़ है और बॉलीवुड को ध्यान में रख कर इस तरह का मीडिज़ है बट प्राइस रेंज इज़ सो हाई ये थाउजेंड से भी ज़्यादा है मतलब कोई बार्गेनिंग करेगा तो कितना करेगा तो मुझे यह, यहाँ पे इस शॉप से मैं शॉपिंग थोड़ा सा डिसपॉइंट रहती हूँ क्योंकि यहाँ के क्वालिटीज बहुत अच्छी रहती है बट यहाँ पे बहुत हाई रेंज रहता है इसके बाद एक जो सूट वगैरह जो मैं देखने गई थी वहाँ पे आपको हंड्रेड के दो सूट मिल रहे थे मतलब एक सूट फिफ्टी रुपीज़ का है फ्रॉक सूट लॉन्ग लौं, लॉन्ग सूट शॉर्ट आपको वहां पे बस छाटना पड़ेगा बट फिफ्टी रुपीज़ का एक सूट इनफ है यहाँ पे जितने सारे आप टॉप्स वगैरह देख रहे हैं वो टू हंड्रेड का स्टार्टिंग है कोई बार्गेनिंग नहीं होता है आप कोई भी पसंद करो टू हंड्रेड के रेंज में मिलेगा फिर यहाँ पे सारे स्लपर्स हैं चप्पल्स हैं वो भी वन फिफ्टी से स्टार्टिंग है और कोई बार्गेनिंग यहाँ पे नहीं होती इस चप्पल वप्पल पे क्योंकि वो लोग इनफ ठीक है वन फिफ्टी के रेंज में आपको क्या चाहिए सही है फिर ये जो कटरा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे स्लीपर्स सैंडल्स बूट हील सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत बार्गेनिंग अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा फिर यहाँ पे जितने सारे आप ईयर देख रहे हैं ये प्राइस फिफ्टी रुपीज़ से स्टार्टिंग होकर वन फिफ्टी टू हंड्रेड तक जाता है और यहाँ पे हैंकीज़ है वो टेन रुपीज़ के है तो आप ईजिली बहुत अच्छे कलर्स वगैरह है और यहाँ पे जितने सारे आप टॉप्स वगैरह देख रहे हैं ऑलमोस्ट टू हंड्रेड के रेंज में हैं ये सारे बेबी आ, शोरूम है आई डोंट नो की मैंने कभी गए मैं कभी गई नहीं हूँ तो इसके बारे में बता नहीं सकती फिर यहाँ पे मैं आती हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था वीडियो हैंडल ही नहीं किया जा रहा था गाइस सो so, यहाँ पे आप जितने सारे टॉप्स देख रहे हैं वो सब की प्राइस टू हंड्रेड है आप कोई भी पसंद कर लो आपको टू ही देना पड़ेगा ना कम ना ज्यादा फिर यहाँ पे आप इिंग्स देख लो यहाँ की इिंग्स बहुत अच्छी है बट प्राइस रेंज थोड़ा सा मुझे हाई लगा आई डोंट नो मुझे लगा क्योंकि मैं खुद ज्वेलरी बनाती हूँ तो एक एक्सपीरियंस हो गया है एक आइडिया मुझे हो गया है इसके बाद यहाँ पे एक शोरूम है जहाँ पे साड़ीज़ वग़ैरह मिलता है तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको सारे बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे लेडीज मेरे बच्चों के बेबी और बो, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही कपड़े मिल जाएंगे फिर यहाँ पे आपको बूट्स वगैरह मिल जाएगा वो हंड्रेड रुपीज़ का स्लीपर्स और बेलीस टाइप्स के कुछ चप्पल्स हैं वो सारे वन हंड्रेड के रेंज में हैं फिर यहाँ पे नाइटीज वगैरह है और फिर लोअर टी शर्ट टाइप का वहाँ पे है वो भी वन फिफ्टी से स्टार्टिंग है यहाँ पे ये सारे सलवार सूट वगैरह देख रहे हैं ये हजार बारह सौ के रेंज में है क्योंकि ये शोरूम का है इसलिए थोड़ा सा हाई तो होगा ही फिर यहाँ पे स्कर्ट जो आप देख रहे हैं ये सारे वन फिफ्टी के रेंज से लेकर टू हंड्रेड तक है ऊपर जो स्कर्ट देख रहे हैं वो फाइव हंड्रेड का है ऑलमोस्ट सारे फाइव हंड्रेड के रेंज में हैं यहाँ पे जितनी सारी टी शर्ट आ टॉप देख रहे हैं वो सारे टू हंड्रेड के रेंज में हैं ये सारे आप कोई भी पसंद करो सारे आपको टू हंड्रेड के रेंज में मिलेगा आपको सिंपल भी मिल जाएगा थोड़ा सा स्टाइलिश और क्रॉप टॉप भी मिल जाएगा यहाँ पे स्लीपर्स वग़ैरह है वो भी वन फिफ्टी के रेंज में है मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को डिटेल भी दे दूँ थोड़ा थोड़ा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो इसके बाद मैं जैसे शॉप पे जा रही हूँ वो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग वहीं से करती हूँ तो मुझे पसंद है यहाँ से शॉपिंग करना और यहाँ की प्राइस रेंज या थोड़ी हाई है और आप अगर बार्गनिंग कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा तो आपको बहुत अच्छे रेंज में मिल जाएगा और प्राइस क्वालिटी की बात किया जाए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्यों आती हूँ ले लें जस्ट बिकॉज क्वालिटी मुझे कपड़ा अच्छा लगता है आई नो मुझे कपड़ा मुझे ड्रेसेस थोड़े मॉडर्न पहनना अच्छा लगता है देख रहे हैं सूट वगैरह देख रही ये सारे 500 200 200 के टॉप है मीडी 400 है 300 है शॉर्ट्स मीडीज हैं और बहुत स्टाइलिस्ट हैं अच्छे हैं इसके बाद यहाँ पे जो आप स्कर्ट देख रहे हैं ये वन का है छोटे बच्चों का भी है और बड़ों का टू के रेंज में है फिर मैं यहाँ पे लस्सी लस्सी पी रही थी मैं और मेरी फ्रेंड और मैं वो फुटेज लेना ही भूल गई थी तो मैं लास्ट थोड़ा सा क्लिप था तो मैं सोची ले लेती हूँ बहुत ज्यादा थक गई थी तो या यहाँ से जा रही हूँ अब दाल मंडी आ, वही गधुलिया का ही एक पास में अगर आप पहली बार जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा अंदर गदुलिया के अंदर एंटर करते ना करते एक चाट का शॉप है उसी के पास एक गली जाती है उस गली के अंदर आप चले जाएंगे एकदम सीधा जाकर आपको डाल मंडी पहुँच जाएंगा तो ये है डाल मंडी और ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये यहीं से मैंने अपना रिंग लाइट लिया है जो मुझे बहुत ही अच्छा रिंगलाइट मिला है मैं ऑलमोस्ट सारा सामान यहीं से लेती हूँ उस दुकान से फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे नई सड़क पे आई I मीन mean, दाल मंडी में आपको हर एक चीज मिल जाएगा गिफ्ट वगैरह किसी की शादी में कुछ देना है कुछ खुद के लिए लेना है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बहुत सारी आइटम्स हैं और सारे प्राइस में है एकदम एकदम आपको ज्यादा खर्च नहीं होगा आपका सस्ते में काम हो जाएगा जो रियल है फिर यहाँ पे आपको यहाँ से आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे लैगीज़ कुर्ती प्लाजो मिल जाएगा फिर यहाँ पे आपको ईयर वगैरह मिल जाएगी और यहाँ पे सारे इधर दोनों साइड पे आपको लेसेस झुमके और फिर आ, वो जो कभी कभी लहंगे वगैरह में जो बक्कल टाइप का लगता है वो फिर यहाँ पे सारे ब्रास के कलेक्शंस है जो लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्ट ब्रा वगैरह पहनते हैं वो इन लोगों के लिए शॉप बे बेस्ट है फिर यहाँ पे गिफ्ट वाला सामान है बर्थडे के लिए है यहाँ पे वॉचेस है आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या आप अपने होम डिकॉर का भी सामान आप यहाँ से ले सकते हैं फिर होली है तो होली का तो रौनक रहेगा ही मार्केट में फिर यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह है किसी को अगर बॉक्स वगैरह लेना हो या आ, क्या बोलते हैं उसे ट्रे वगैरह सर्व करने के लिए बाउल और ज्वेलरी रखने के लिए डब्बा या बाइपर झाड़ू जो भी आप यहाँ पे ले सकते हो यहाँ की जो प्राइस रेंज अगर मैं बताऊँ तो या अगर नॉर्मल आप अपने घर के पास वाले किसी दुकान से आप लोगे वहाँ का प्राइस और नई सड़क के मैंने डायम डाल का प्राइस में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा और बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ है अगर आप ज़्यादा दाल मंडी के ज़्यादा अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे बारह पीस का पूरा सेट लेना पड़ेगा बहुत ही रेयर ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे एक दो शॉप्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे खुला बेच देते हैं अदरवाइज ये लोग ज़्यादातर पूरा पैकिंग ही करके बेचते हैं तो अगर आप कहीं मैंने अपना कोई दुकान वकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हो या कहीं आपका कोई ऐसा बिजनेस है या आप घर पर बैठ के कहीं दुकान छोटा सा खोलना चाहते हो या घर पे बैठ के ही कोई जॉब करना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर ले सकते हो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी आपको ऐसे ही पूरा बंडल का बंडल मिलेगा आपको खुला बहुत ही रेयर मिलेगा बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक थी इतनी ज्यादा रौनक थी कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था आ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कलरफुल वाला होली का दिन रहता है तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे हर एक प्राइस रेंज में था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था कि काश मैं छोटी बच्ची हो जाती तो अच्छा रहता और ये वीडियो करते करते आई डोंट नो कि पता नहीं पूरा फुटेज ब्लर ले रहा था तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोग मैनेज कर ले ली, लीजिएगा फिर यहाँ पे सारे डेकोरेशन का सामान है फिर होली में पहनने के लिए कैप्स वगैरह और बाल वगैरह जो होते हैं वो है फिर यहाँ पे आपको बर्तन वगैरह भी मिल जाएगा फिर अगर आप जेंस के लिए कुर्ता पजामा लेना चाहते हो तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा टू फिफ्टी से स्टार्टिंग है बच्चों का वन फिफ्टी से है कुर्ता पजामा यहाँ पे नकाब भी बहुत अच्छे मिलते हैं और अच्छे प्राइस रेंज में मिलते हैं और मैंने कहा ना बार्गेनिंग वाला सिस्टम है अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा फिर ईयर वग़ैरह बहुत खूबसूरत है पर्स के रेंजेस यहाँ पे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे आपको छोटा मी और छोटू सा एकदम पर्स मिल जाएगा और बड़ा बड़ा पर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर प्राइस रेंज की अगर बात करूँ तो ज़्यादा हाई भी नहीं है ज़्यादा लो भी नहीं है आपको यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ भी अगर आप लेकर आओगे ना फिफ्टी से वन फि वन हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड के रेंज में बहुत कुछ है दुपट्टा आई I मीन mean दुपट्टा वगैरह भी है बूट्स है तो यहाँ पे वो है फिर यहाँ पे आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएगा और मैं यहाँ पे चल रही हूँ और कैमरा मैन मैं, मैं मेरी फ्रेंड यहाँ पे कैमरा हैंडल कर रही है और पीछे से मेरा बाल इतना खूबसूरत लग रहा था मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि ये इतना प्यारा लगेगा तो मैं उसे यहाँ पे कोई रास्ता बता रही थी पता नहीं मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे आपको कब्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे गिफ्ट आइटम लेना चाहते हो तो सो so गाइज मैं आ गई हूँ घर अभी अभी जस्ट आई हूँ और एकदम थक गई हूँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा मेरा फेस पूरा रेड रेड हो गया है ऊपर से अंधेरा भी हो गया है इसलिए आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमें घर जाने का मैंने कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हमें लगा मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा और बस यही मुझे दिखाना था थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी उसको मेरी फ्रेंड को ड्रेस लेना था वो बहुत खूबसूरत सा ड्रेस ली है बस यही था मैं शॉपिंग की बहुत ज़्यादा भीड़ था बहुत ज़्यादा मतलब इतना भीड़ था कि ऐसा लग रहा है सारे लोग भंडारा में आए हैं मतलब चलने की जगह नहीं थी तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ तो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और अभी कितना बज रहे हैं अभी छः बज रहे हैं आप फिर मैं कहाँ दो बजे निकली हूँ और छः बजे पहुँची हूँ मैं एक्चुअली फ्रेंड के घर भी थोड़ा रुक गई थी चाय वाय पी फिर मैं अभी आ रही हूँ घर और अभी अभी जस्ट घर जैसे ही आई शिट मेरा बाल घर जैसे ही आई दीदी मुझे मैसेज करके बोल रही हैं दीदी मुझे फ़ोन की मेरी दीदी वो मुझे बोली कि रिम्पी तुम फ्री हो हम बोले हाँ हाँ है। हैं हम बोले चलो मेरे साथ तुम गोदलिया हम बोले आओ शिट फिर जैसे मुझे गोदोलिया जाना पड़ेगा तो मैं अभी फ्रेश नहीं हो जाऊंगी बस फे फेस वॉश कर लूँगी मैंने थोड़ा सा फेस वॉश भी नहीं करूँगी बस पानी से मैं थोड़ा फेस ठीक करूंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपने बालों को ये जो मेरा बाल एकदम इतना ज्यादा इरीटेट कर रहे हैं ना गर्मी लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा ठीक करूंगी और थोड़ा देर बैठूंगी फिर दीदी फ़ोन करेंगी फिर मैं गतोलिया जाऊँगी तो मैं अभी तो यही वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पे आई होप आप लोग को अच्छा लगे मेरे साथ बने रहिएगा मेरी सारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करिएगा मुझे ढेर सारा प्यार ढेर सारा सपोर्ट ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलती हूं तब तक के लिए स्टेडियो एंड स्टेब्लिश बाय